बस कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मर्दों के ऐसे चार वीक पॉइंट के बारे में, कोई औरत थोड़ी इंटेलिजेंट है ना तो वो उन पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने पति देव से या फिर अपने पार्टनर से कुछ भी करवा सकती है। बहुत लोगों ने उसको पॉजिटिव वे पे लिया कि नहीं ऐसी तो हर औरत करना चाहिए, बहुत लोगों ने इसको नेगेटिव वे पे लिया, आप एक फीमेल पार्टनर को नर्सिसिज्म सिखा रहे हो, डोमिनेटिंग होना सिखा रहे हो, बट ऐसी कोई बात नहीं होती। पता है रिलेशनशिप को मेंटेन करना या फिर एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, स्मूथ वे पे चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप खुद सोचो, आप एक रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप शादी की बात नहीं कर रही हूँ, और आपको लगा कि एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, आपने ब्रेकअप कर दिया, पर शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करने में अगर हम थोड़ी सी चालाकी यूज़ कर ले, अगर इसमें कुछ हम ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर ले जिससे हम सामने वाले का दिल जीत सके, जिसे सामने वाला मुझ पर डिपेंड हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई होगी। और मैंने उस वीडियो में सिर्फ वही कुछ ऐसी बातें शेयर की थी लड़कों के बारे में जो हर लड़की को जानना चाहिए। आपने नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फीमेल्स के कुछ ऐसे वीक पॉइंट जो हर मर्द को जानना चाहिए। मर्द उन लोगों को बात कर रही हूँ जो लाइफ पार्टनर्स हैं और जो सोचते हैं अरे मेरी बीवी तो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होती, मैं अपनी बीवी को खुश कैसे करूँ। यकीन मानिए, बाहर आप चाहे कुछ भी करो बट घर में, घर की औरत को अगर आप खुश रख पाते हो ना, तो आपका वैसे ही घर जो है वो हरा भरा रहता है। ये जो टेक्निक्स है ना, पहले के ज़माने के लोग कुछ हद तक फॉलो किया करते थे, यस किया करते थे, आज का ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। खैर, मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट फीमेल्स के बारे में जो फीमेल्स की वीक पॉइंट होती है। मैं कुछ ऐसे नहीं बताऊँगी जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है या फिर आपको बिल्कुल नहीं जानते, बस रिमाइंड करवा रही हूँ, रिमाइंडर दे रही हूँ, ये आप जान सकते हो। हाँ, मैं तो ये जानती हूँ, कभी ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि आज आपके दिमाग में यही कुछ बातें आएं। नंबर वन, तारीफ। झूठी हो तब भी चलेगा। आप बोल रहे हो मैम आप हमें झूठी तारीफ करना सिखा रहे हो, इससे तो अच्छा है कि हम सच्ची बोल दें, हमें तो अपनी वाइफ की गुलामी नहीं करनी। अरे भाई, तो फिर शादी क्यों की? अगर आपको आपकी वाइफ की गुलामी, अगर आपको ऐसी चीज़ों से गुलामी लगती है, तो फिर आपने शादी क्यों की? आजकल तो डेट है, बिना बीवी के भी बच्चा आप ले सकते हो, बिना बीवी के भी आप अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकते हो, फिर शादी क्यों की? मैंने पहले कहा, ये जो शादी होती है ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हमें प्यार से बड़े संभाल के चलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लड़कियों को तारीफ बहुत, तारीफ तो सबको पसंद है, फीमेल्स को थोड़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज फीमेल्स ना थोड़ी इमोशनल होती है। तो अगर मान लीजिए कि आप तारीफ बस 10% करने से ही चल जाता, वो लायक सिर्फ 10% की है, बट आपने उसकी 50% आपने उसकी तारीफ कर दी, इससे क्या होगा पता है क्या होगा? आपको टाइम टू टाइम खाना, आपको टाइम टू टाइम फिजिकल रिलेशन, आपको टाइम टू टाइम सेवा, और आपको टाइम टू टाइम वो हर चीज़ें मिलेगी जो शायद आप हकदार भी हो और शायद आपको मिलना भी चाहिए। बट यस, मैंने कहा फीमेल्स इमोशनल होते हैं, इसीलिए अगर उसके इमोशन को आपने धक्का दिया तो कुछ भी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, हर रोज़ घर में झगड़े होंगे। तो थोड़ा सा अगर आपने झूठी ही तारीफ कर दी तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट आएगा बहुत कुछ। सेकंड थिंग, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि फीमेल्स को दबाना चाहिए, ज़्यादा चढ़ने दोगे ना तो सर पे चढ़ जाएगी। यही सोच ही गलत है। फीमेल्स को दबाने से नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करने से उससे हर कुछ वो है जो आप चाहते हो करवाया जा सकता है। वंस अगेन, फीमेल्स इमोशनल होती है, तो अगर आप उसको दबाने की कोशिश करो, बलून को अगर आप बहुत ज़्यादा दबाओगे ना तो दबता जाएगा, बट एक टाइम पे वो बस्ट करेगा, फूट जाएगा। यही गलती तो मर्द लोग करते हैं, मतलब सोचते हैं कि अगर मैं हुक्म करूंगा तो ही मैं मर्द हूँ, तभी मेरी मर्दानगी जो है वो शो होगी, बट नहीं, हुक्म करने से नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करो तो आप अपनी वाइफ से या अपनी फीमेल पार्टनर से कुछ भी करवा सकते हो जो आप चाहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी अच्छा होना चाहिए वो होगा, बिकॉज दे आर बीइंग अ मदर, माँ जात होती है ना। इमोशनल ब्लैकमेल करने से ही, और बहुत लोग करते हैं, स्पेशली वो लोग करते हैं ना जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे अगर माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ भी कर सकते हैं तो हस्बैंड क्यों नहीं? अगर आप
अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हो, अगर आप अपने टाइमिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी वाइफ बिल्कुल अच्छे सेटिस्फाइड नहीं होती, आप बहुत ही जल्दी थक जाते हो, आपको बीच में ही आपका काम जो है रोकना पड़ता है, आप अपने स्टेमिना, पावर, आपकी वाइटलिटी, सारी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने सेक्स टाइम को बढ़ाना चाहते हो, तो आप इंस्ट्रावेदा का ट्रिवाक्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें शिलाजीत है, सफ़ेद मुसली है, जो कि नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, शिलाजीत के बारे में तो जानते ही हैं, इसको नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है, यानी कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से ऐसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना जो है वो इंक्रीज होती दिखाई देगी, और वो सिर्फ आपके बेडरूम लाइफ पे नहीं, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ में सारी चीज़ों में ही आप एनर्जेटिक रहोगे, उस लेवल पर आपको एनर्जी मिलेगी जिस लेवल पर आप चाहते हो। सफ़ेद मुसली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो को इंक्रीज करता है, आपके इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, और टेस्टोस्टेरोन की इंक्रीज होने से ऐसे ही आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप ऑल ओवर आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, हमेशा अपने वाइफ को सेटिस्फाइड रखना चाहते हो, और साथ ही साथ हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हो, कभी भी थकना नहीं चाहते, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। इसका इस्तेमाल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी इसका ऑर्डर कर सकते हो। थर्ड थिंग, एक औरत उसकी लाइफ को बहुत मतलब कि मज़ेदार बना देगी, खुशियों से भर देगी ना, जो उसे थोड़ी सी भी चाहती हो या फिर दिखाती हो कि हाँ वो उसे चाहती है, उसकी थोड़ी सी केयर करती है। फ़ोन करके भी आपने पूछ लिया ना, आपने खाना खाया, तूने खाना खाया, जो भी आप उसे बोलते हो, तूने खाना खाया, तुमने खाना खाया, आपने खाना खाया, कुछ भी हो, या फिर नहाया, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक मिनट का, अरे अगर गर्लफ्रेंड होती ना, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होता तो घंटों घंटों बात करनी पड़ती, तो अपनी बीवी को एक कॉल करने में क्या जाता है। अगर ये थोड़ी सी आप करते हो ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि कितना चेंज आ जाएगा, बिकॉज एक फीमेल अगर किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट उसकी ना रही हो तो उसकी लाइफ को झंड भी बना सकती है, इतनी ताकत होती है एक लड़कियों में। क्योंकि भाई आप लोग मर्द हो, हो सकता है कि आप पूरा दिन घर से बाहर रहते हो, पर सुकून की जगह तो घर ही होता है, और वहाँ पे ही अगर आपके सबसे बड़ी यू नो बम ब्लास्ट हमेशा अगर घर में ही होता रहे, तो आपको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। तो थोड़ी सी अपनी वाइफ को चाहने में कोई बुराई नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट चाहते हो, अपनी लाइफ को झंड नहीं बनाना चाहते। वैसे तो गिफ्ट वगैरह सबको पसंद होता है, सबको गिफ्ट्स पसंद होते हैं, मुझे भी, मेरे बेटे को भी, मेरी सास को, मेरे ससुर को, शायद सबको ही गिफ्ट पसंद होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ स्पेशलिटी की, तो लड़कों के मुकाबले लड़कियों को गिफ्ट्स ज़्यादा पसंद होता है, बिकॉज ये एक ना एक मेंटालिटी है जो हमने एक सदियों से डेवलप किया हुआ है कि लड़कों को देना होता है और लड़कियों को लेना होता है, और यही मेंटालिटी फीमेल्स के लिए बहुत काम करती है। मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि आपको डायमंड का नेकलेस देना है, सोने के जेवर देने हैं, या फिर महंगी साड़ियाँ देनी हैं, बट कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो आपके इख्तियार के अंदर हो, आपके हाथों में हो, अगर आप थोड़ी छोटी मोटी गिफ्ट्स वगैरह अपनी वाइफ को देते हो ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा है। आप मुझे बोलोगे मैम आप तो फिर वही बात कर रहे हो कि अपने वाइफ की गुलामी करो, अपने वाइफ की सेवा करो, ये करो वो करो, अगर आप 10% करते हो ना, तो उसका फीडबैक आपको 50% कम से कम मिलेगा। ये तो बिजनेस मेंटालिटी भी हो गई, बट यस ये ट्रू है कि अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, जो कि आपकी घर की वाइफ है, घर में रहती है, मैं स्पेशली हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, अगर आप उसके लिए 10% करोगे, तो उसका 10 गुना वो आपके लिए करेगी। तो छोटी मोटी गिफ्ट्स वगैरह तो बनते ही हैं, बिकॉज फीमेल्स बहुत लाइक करती है, और ये उसकी एक बहुत बड़ी वीक पॉइंट है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा झगड़ा है ना, तुल कलाम मच चुका है घर के अंदर, आप अपनी ईगो को साइड रख के अगर आप दिल से चाहते हो कि झगड़ा तुरंत ख़त्म हो जाए, कुछ भी चीज़ अपने हाथों से उसके लेके आओ, जो हो सकता है कि आपको पता हो कि उसके पसंद का है। आप नोटिस करोगे विद इन वन डे, और विद इन हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हुआ तो एक घंटे में या फिर एक मिनट में वो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज लड़कियाँ इमोशनल होती है, हर चीज़ को इमोशन से देखती है, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। ये कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं फीमेल्स के, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मैंने पहले कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो कि आप नहीं जानते हो, बट यस मैंने सिर्फ आपको रिमाइंडर दिया कि ये काम करता है, जो शायद आपके दिमाग से निकल चुका है। अब बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो हर बार इसका इस्तेमाल मेरे ऊपर करते हैं, हर बार करते हैं, एंड यस मुझे भी पता है कि मेरे हस्बैंड की वीक पॉइंट क्या है, और उसका इस्तेमाल भी मैं बराबर करती हूँ। बट हाँ,
रिलेशनशिप में इतना चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा शादी जो है, रिलेशनशिप जो है, वो एक मतलब कि लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हमें बड़े प्यार से आगे बढ़ाना होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।